क्या कहा था मैंने? मेरा घर सातवें आसमान पर है, जमीन पर नहीं। भूल गई? चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये मत भूलना कि तुम आदि नागिन नहीं हो, एक नॉर्मल इंसान हो। यहां से गिरी तो मर जाओगी। इससे अच्छा कि मुझसे शादी कर लो और मेरी रानी बन जाओ। शादी की तैयारियां शुरू करो। निकलू मैं, क्या करूं? हल्दी का वक्त हो गया है। रहना मुझसे, मैं दूसरी हल्दी लेके आती हूँ, मैं ये साफ करवाती हूँ। और वो बेरुपया क्या कह रहा था कि आज रात फिरांचु मरने वाला, आधी रात को? क्यों, कैसे, क्यों कर रहा है शकुरा ये सब? किसके कहने पर? मुझे तो लगा था मेरा सबसे बड़ा दुश्मन फिरांचु है, अब ये मेरा नया दुश्मन है कौन? कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। मैंने कहा था ना कि दूर रहना मुझसे। एक औरत होने के बावजूद एक दूसरी औरत के साथ तुम इतना बुरा कैसे कर सकती हो? ये शादी नहीं है, एक छल है, एक जालसाजी है। ये मेरी मर्जी की नहीं है शादी, नहीं करने मुझे ये शादी। समझ में नहीं आती बात तुम्हें? एक बार मालिक को आपसे शादी करनी है और जो उन्हें करना है वही होगा। ऐसा कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं। ये रोको, इसे करनी है। अरे रुक जाओ। अगर अपनी भलाई चाहती हो ना तो दूर रहो मुझसे। तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैं क्या कर सकती हूँ। रानी मर जाओगी, पागल होगी हो क्या? ऐसे चीज़ से अच्छा है कि मैं मरी जाऊँ। अरे रुक जाओ। मैंने कहा मेरे पास मत आना वरना मैं कूद जाऊंगी यहाँ से। मालिक को बुलाओ, अगर ये कूद गए तो वो हमें मार डालेंगे। तो फिर मेरी मदद करो। नहीं, वो हम नहीं कर सकते। अरे हे भोलेनाथ, आज मैं एक मामूली इंसान हूँ और मेरी शक्ति अभी मुझसे छीन ली गई है, लेकिन मुझे अपनी शक्ति पे और अपनी भक्ति पे पूरा भरोसा है। न चिंता न भय हो, महाकाल की जय हो। मालिक, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरा विश्वास नहीं टूटेगा, मुझे आप पे पूरा भरोसा है भोलेनाथ। आप मेरी जरूर सुनेंगे, जरूर सुनेंगे आप मेरी। आप मेरे साथ हैं, मुझे पता है, मुझे कुछ नहीं होने देंगे आप। आधे घंटे बाद पूर्णमासी की रात है, यानी कि वीरांचु सिंघानिया क्या शकुरा की कही बात सच हो जाएगी? वीरांचु की जान चली जाएगी? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये गंधक पत्थर यहां आया है, इस पहाड़ी पे।
इसका क्या मतलब हो सकता है? वीर को मरने में सिर्फ 5 मिनट का वक्त रह गया है, कहीं उसे अपनी आखिरी सलामी तो नहीं देने आया? नमः शिवाय। मुझे पता था आप मेरी प्रार्थना सुनेंगे, मेरी रक्षा करेंगे। भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। भोलेनाथ, आपका जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। Sweetheart.
वैसे तुम्हें ऐसे देखना सपना था मेरा। मैं कभी भी चाहूंगा नहीं कि तुम यहां से हटो। अच्छा लग रहा है पर क्या करें, मर्द को दर्द होता है स्वीट हार्ट। जस्ट शट अप। वैसे मेरे बिना बहुत मोटी हो गई हो तुम। ये सब बातें छोड़ो, ये बताओ कि तुम कहां पे चढ़ी, कहां से गिरी और ये तुमने क्या पहना हुआ है। तुम मेरी छोड़ो, अपनी बताओ, तुम थे कहां और हुआ क्या था तुम्हें? Hey, miss me? Miss किया मुझे? Just shut up. तब पूछा ना, उसका जवाब दो। No. Ladies first. तुम बताओ कि तुम आसमान से गिरी, त्रिशूल पे अटकी, ये सब चल क्या रहा है स्वीट हार्ट? हाँ? वो पिछले कुछ दिनों से बानी अबे तो है कौन और तूने इतने कैजुअली बानी का नाम लिया कैसे? यही तो मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ कि तू कौन है जो मेरी होने वाली बीवी के इतने नजदीक खड़ा है? हाँ, शादी होने वाली है हम दोनों की कुछ ही देर में। बानी, शादी होने वाली और पति को बैठ तक नहीं किया? चलो यहाँ से वरना फिर जबरदस्ती उठा। कहा ना पति, पति हूं इसका, शादीशुदा है, हाथ लगाने की जरूरत मत करना। तू जरूरत करने की जरूरत मत करना, तू जानता नहीं मैं कौन हूं। शकूरा नाम है मेरा। शकूरा हो या गटर का कूड़ा, आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पीछे हट। हाथ मत लगाना, मेरी बीवी है। मैंने भी कहा ना, ये बोलना बंद कर, जो तेरी थी अब वो मेरी होने वाली है बीवी। और अभी तक तो हो भी गई होती अगर तू बीच में नहीं आता। वैसे चल क्या रहा तुम लोग के बीच में? हाँ, तू बीवी बीवी कर रहा है और ये तेरे चक्कर में खिड़की से कूद गई, चल क्या रहा है? स्वीट हार्ट, तुम खिड़की से कूदने वाले थे, तुम्हें कुछ हो जाता तो यही तो मर जाती। मर जाना चाहिए था लेकिन मरी नहीं, पता नहीं कैसे बच गई। शॉक लगा, शॉक लगा। What the hell? ये वीर जिंदा कैसे? चुप। हम इनके सामने नहीं आ सकते, पानी मेरी सच्चाई के बारे में नहीं जान सकते, बस इंतजार करो, क्या पता शुक्र इन दोनों को ही खत्म कर दे। लेकिन ये शकूरा इस बानी की जान लेगा, ऐसा लग तो नहीं रहा। चल तू आ गया ना यहाँ पे। हिरांशु सिंघानिया, तू यहाँ पे आके साक्षी। क्या मतलब? मेरी और बानी की शादी का साक्षी। स्वीट हार्ट, चलो चल के फेर लेते हैं। कहा ना बीवी को हाथ मत लगा। सुनी चाल, अभी तुम आगे नहीं बन सकती। ये कर क्या रहा है, इससे शादी क्यों कर रहा है? ये पानी अपने नागिन रूप में क्यों नहीं आ रही? अगले सोलह सोदाम का है मेरा हाथ चढ़ो। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं अपने नागिन रूप में नहीं आ पा रही हूं, लेकिन ये वीरांशु ऐसे क्यों कर रहा है? ये चील क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि ये उल्लू का पट्टा है, पानी को इसकी असलियत ना पता चल जाए इसलिए चील नहीं बन रहा है, लेकिन ये बोल रहा है कि इस चक्कर में जान से मारा भी जा सकता है। मैं बता रही हूँ तुम्हें, जैसा दिख रहा है ना वैसा बिल्कुल नहीं है, इन दोनों का आपस में जरूर कोई कनेक्शन है।
मैं कौन हूं ये देख के तू चौंका नहीं? वीरांशु सिंघानिया। वीरांशु सही जगह, बिल्कुल सही जगह साक्षी बनने के लिए। स्वीट हार्ट, ये सब चल क्या रहा है? ऐसे तो वीर मर सकता है। अरे अगर ऐसा हो गया तो हम शकुरा का क्या करेंगे? ये हमारे गले की बहुत बड़ी हड्डी साबित हो सकता है। चुप। बस इतना सोचो कि एक दूसरे को जाल से मार दे, फिर पानी बच जाएगी जिससे हम निपट लेंगे। What? तुम्हारे पास बेटर आइडिया है क्या? चलो। छोड़ो, मैंने कहा। ओम। पहला फेरा खत्म। सब पहला पति मर जाए। नहीं। मैंने कहा छोड़ो, छोड़ो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते तुमने। पानी मायरानी, मैंने कहा था ना, मेरे साथ रहना तो मेरी तरह बनना पड़ेगा। जो मैं कहता हूँ वो करना पड़ेगा, तो करना पड़ेगा। हम दोनों एक 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 होंगे, जरूर होंगे एक दिन। दूसरा कोई तोड़े तुम्हारा।
लेना चाहती हो घरवाली? उसने कहा तुम खिड़की से कूद गई, क्यों? क्योंकि मुझे उससे शादी नहीं करनी थी। क्यों? क्योंकि वजह तुम्हारे सामने है। मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं था, ये शकुरा शकीरा जो भी हो, तुम्हारे दिल में इसके लिए कुछ नहीं था क्योंकि तुम हीरी हो। और ये बात मुझे अच्छी तरह पता है, जब मुझे चोट लगती है ना तो दर्द तुम्हें होता है पानी। ना कुछ मत कहो, मैंने सब कुछ देखा है, मैंने महसूस किया है, और ये भी पता है कि जब मैं नहीं था ना तुमने मुझे बहुत मिस किया। नो, जी नहीं, वो वीर बन के आया था। लेकिन तुम तो पहचान गई थी वो मैं नहीं हूँ। कोई भी स्वीट हार्ट कहकर वीरांशु सिंघानिया तो नहीं बन जाता ना, कैसे मालूम ऐसा नहीं हुआ? तुम्हें पता था कि वो मैं नहीं हूँ मानी, तुम पहचान गई थी। कह दो मानी, कह दो कि तुम जो फील करती हो, कह दो मानी, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा, I promise। मानी प्लीज मुंह मत फेरो, मेरी आंखों में आंखें डाल के कह दो कि तुम क्या फील करती हो, कह दो कि तुम भी वही महसूस करती हो जो मैं करता हूं। एक बार सच कह दो मानी, एक बार प्लीज। सच छिपाने का अच्छा बहाना है बानी। रिलैक्स, मैं शकुरा नहीं हूँ, डरो मत, कम, आराम से, इजी, आओ, बैठो, तुम्हारे घाव पे मरहम लगाना है, देखो, कितनी चोट लगी है, बैठो, मैं घाव पे मरहम लगाना है मुझे, स्वीट हार्ट, लाओ, मैंने कहा ना, इधर आओ। चलेगा, ठीक हो जाएगा। बस अभी ठीक हो जाएगा। मेरा जवाब ना था।
पूछा तुमने मुझसे पूछा जंगल में वो ना था वो फीलिंग वाली बात हाँ ना नहीं हाँ तुमने हाँ कहा था हाँ गॉड प्रॉमिस बल्कि तुम बेहोश हो गए थे और फिर बेहोशी की हालत में तुमने मुझसे कहा कि उबेर मैं इस बात को अपने मन में और नहीं रख सकती हूँ मैं पागल हूँ तुम्हारे लिए मैं दीवानी हूँ मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ जब तुम पास आते हो मेरी सांसें थम जाती हैं जब तुम हाथ लगाते हो तो बकवास कर रहे हो तुम झूठ बोल रहे हो यू आर लाइंग क्या करूं दिन में जो बात थी कह दी लेकिन तुमने गॉड प्रॉमिस कहा तुमने भगवान की झूठी कसम खाई ओप्स भगवान की उम्र लंबी हो गई जैसे भगवान मुझ पे विश्वास करते हैं तुम मुझ पे करते हो हाँ देखो बेहोश होकर तुम सीधे मेरे पाँव में आ गिरे स्वीटहार्ट गांव पे मरहम लगा रहा हूँ कहाँ जा रही हो नो गॉड विश्वास भी बहुत अजीब शब्द है ना विश और आस दोनों होता है अब हम पर डिपेंड करता है कि हम किसे चुने ऐसे ही देखती रहोगी तो फिर से बेहोश हो जाओगी मेरा जाम ही कुछ ऐसा है चोरों जैसा है मैं तुम्हें नहीं देख रही थी मैं तुम्हारे गांव को देख रही थी और मुझे किसी के एहसान की जरूरत नहीं है तुम मेरे गांव पे मरहम लगा रहे थे तो मैं भी तुम्हारे गांव पे मरहम लगाऊंगी तुम्हारे साथ जैसे तुम बोलते हो ना दैट इट्स अ टू वे स्ट्रीट स्वीट हार्ट तो सुधर करो चलो अच्छा है इस बारे तुमने हार तो मानी लगा लगा लो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे लगा मुझे तुमसे कुछ पूछना था तुम यहाँ पे देखो देखो लगा लो तुम्हें हुआ क्या था तुम मैं जहाँ थी वहाँ अचानक लगाओ वहाँ आ गए जहाँ मैं थी और तुम बहुत कमजोर भी थे तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे साथ कुछ हुआ था क्या हुआ था तू जानता है तेरे साथ क्या होने वाला है तू इस पिंजरे में मरने वाला है यार अगर मैं कहूंगा तुम्हें विश्वास नहीं होगा असली भलाई इसी में है कि तुम खुद पता लगा लो यू नो व्हाट मैंने तुमसे सिर्फ नाम पूछा और तुम क्या कर रही हो चोटे और भी है ये क्या कर रहे हो व्हाट द हेल आर यू डूइंग दिल पे चोट लगी है तुम्हें मेरे सवाल का जवाब नहीं देना तुम मत दो मुझे भी नहीं पड़ी है आई डोंट केयर मैं जा रही हूँ यहाँ से आई एम डन जाने से पहले तुम्हें मुझसे दो वादे करने होंगे शो लेट मी गेस मुझे तुमसे अपनी इमेजिनरी फीलिंग्स का इजहार कर वादा करो कि तुम दोबारा ऐसा कोई पागलपन नहीं करोगे वादा करो कि तुम खिड़की से कूदकर अपनी जान जोखिम में नहीं डालोगे समझ गई वाणी शर्मा
प्रॉमिस मी प्लीज। मुझे चेंज करना है। और दूसरा वादा कि तुम फिर से उस ढाबे वाले से कभी नहीं मिलोगी। What? You heard me right? तो मुझे फिर ये भी सुना दो कि उससे ना मिलने के पीछे क्या वजह है। ये जो फालतू की तुम्हारी शर्त है उसके पीछे एक वजह गिना दो मुझे बस। एक नहीं, हजार वजह है, हजारों, जिनके बारे में तुम्हें बताऊंगा नहीं, गिनाऊंगा नहीं, तुम खुद पता करोगी। अगर तुम मुझे वजह नहीं दे सकते तो मैं तुम्हें वादा नहीं दे सकती। तुम शादीशुदा हो, तुम्हारी मुझसे शादी हुई है मानी, ये सबसे बड़ी वजह है। जैसे तुम उस शकुरा से दूर रहे, ठीक वैसे ही ढाबे वाले से दूर रहना रहना ही होगा। और तुम्हें जाना ही होगा, मुझे चेंज करना है, आउट। मैं जानती हूँ ये क्या है और कहाँ से आया है। क्या मतलब? मैं इस घर से भागने की कोशिश कर रही थी और कहीं छुपी हुई थी और वहां से फिसल रही। ओह, मतलब तुम दरवाजे से फिसल के गिर पड़ी। मैं जानती हूँ कि तुम लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, लेकिन ये सच है। मैं सीधे जाके वो बेसमेंट वाले रूम में गिरी और मानना पड़ेगा कि बहुत बड़ा खजाना छुपा के रखा है। ऐसा लग रहा है कि राजा महाराजाओं से लूट पूट के लाए हो। अब चूंकि तुमने खजाना देख लिया है, I'm sure तुम शादी नहीं तोड़ना चाहोगे, sweetheart। तुम मुझे जानते ही नहीं हो। और वहां कोई खजाना नहीं, उसके अलावा और कुछ कुछ और भी है। एक बंद कमरा जिसपे ताला लगा हुआ है और अंदर कोई कैद है। क्या बकवास कर रहे हो, वहां ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी जाओगे ना, देख लेना। वीरिया कभी भी आ सकता है, ये ताला उसको दिखना नहीं चाहिए। पानी ने कहा था यहाँ कोई ताले में बंद है, मगर यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लगता है उसे कोई गलत फहमी हुई है, जो कोई नई बात नहीं है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे मुझे बाहर आहट आई, पर तू यहाँ क्या कर रहा है? वो कंधक बाहर कैसे आ गया था? वो तो मुझे भी नहीं पता, तू ये बात छोड़। लेकिन पहले तू ये बता, तू इतने दिन था कहाँ? तुझे पता है ना, तेरी गैर मौजूदगी में वो बहरूपिया यहाँ पर आ गया था। और यहाँ पे क्या क्या नहीं हुआ, मतलब
कुछ बात कुछ सोच के मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक पिंजरे में बंद था। क्या पिंजरे में? हाँ, ये सब बातें छोड़िए, ये बताइए कि उस बहरूपिये की शक्ल मुझसे तो बिल्कुल नहीं मिलती थी, करेक्ट? फिर आप लोग ने कैसे यकीन कर लिया कि वो मैं हूँ? क्या इसे नहीं पता कि वो बहरूपिया आकेश का रूप लेकर आया था, इसके सतयुग का चेहरा? लेकिन उस काल गणक की तो सारी रेत नीचे आ चुकी थी, फिर इसे कुछ याद क्यों नहीं? कुछ तो गड़बड़ है। कहाँ खोए आप? कैसे यकीन हो गया कि वो बहरूपिया मैं था? अरे हाँ, अरे क्या उसने ऐसी मनगढ़ंत कहानी सुनाई कि विश्वास हो गया? कैसी कहानी? अब एक एक चीज थोड़ी याद रहेगी मुझे यार। डैडी कुछ छिपा रहे हैं आप? कैसी बात कर रहा है वीर तू? मैं तुझसे कुछ छुपाया आज तक? जो आ छुपाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस दिमाग कुछ नहीं चल रहा था उस टाइम। उस टाइम पोंकी की हालत ऐसी खराब थी, उसने जो बोला विश्वास हो गया। अरे शर्मिंदा हो गया, मैं बोल रहा हूँ शर्मिंदा हूँ। अब ये सब छोड़, इतने दिनों के बाद आया है यार, अब बाप के साथ ऊपर जाके बात नहीं करेगा? चल बैठ के बातें करते हैं, दारू पीते हैं। कम ऑन, चलिए आइए। डर वो आया, कम से कम आया वो। मेरा बेटा ढूंढने आया। सुधांशु ने इसे बता तो नहीं दिया कि उसे पिंजरे में कैद करने वाला मैं था। जय, हेलो, कहाँ थे तुम अब तक? जय, वो बहरूपिया मुझे अपने साथ ले गया था, ऊपर बादलों में किसी घर में जहाँ वो मुझसे शादी करना चाहता था। ये तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि वो मारा गया। और शुक्र है इसे मेरे बारे में कुछ नहीं पता। ये सब वीरांशु सिंघानी की वजह से हो रहा है। हो गया तुम्हें? मैंने कल मंदिर में तुम्हें बताया ना, इस सब के पीछे वीरांशु नहीं है। उसने कुछ भी नहीं किया, बल्कि उसकी हालत इतनी बुरी थी उसके बावजूद उसने मुझे बचाया। अरे तुम्हें बचने के लिए उस चील की मदद लेनी पड़ी? वो शकुना ने मुझ पे जादू किया हुआ था, जिसके वजह से मैं अपना नागिन रूप नहीं ले पा रही थी। वो बहुत खतरनाक था, बल्कि यहाँ तक कि मेरी जान बचाते बचाते वो वीरांशु की जान तक जाने वाली थी। तुमने एक और मौका गवा दिया, मरने क्यों नहीं दिया उसे? मेरा मतलब है भानी, तुम अब तक अपना बदला पूरा नहीं कर पाई हो। कुछ नहीं कर पा रही हो तुम, तो इसका सीधा असर हम दोनों पर हो रहा है। हमारी जिंदगी वही के वही ठहरी हुई है, इसलिए जल्दी उसे खत्म करो, उस चील को। जय, मैं काम करो, तुम मेरे पास आओ, मेरे पास एक प्लान उसे खत्म करने का। ओके, इससे पहले वो चील इसे मेरी असलियत बताए, मुझे इससे मिलना होगा। नहीं, वो वीरांशु को खत्म करने से पहले मुझे कुछ और पता करना है। अरे अब क्या पता करना है? देखो बानी, मेरी बात सुनो, वो सही आदमी नहीं है, वो हमारा दुश्मन है। जय, लेकिन वीर ने कुछ भी नहीं किया है। ओ, वीर? अच्छा, कहीं उसका नाम बदलने के साथ साथ अपना मन तो नहीं बदल लिया तुमने? कहीं उसे अपना दिल तो नहीं दे बैठी हो ना? सचमुच में उसे अपना पति तो नहीं मान लिया तुमने उसे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जय, तुम ऐसे सोच भी कैसे सकते हो? मैं ऐसा, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा। अंडरस्टूड? अच्छा ही है, वरना बड़ी शर्मिंदगी की बात होगी। यादी नागिन होके तो अपना बदला नहीं पूरा कर पाई, अपने दिल पे अपना काबू नहीं रख पाई, इतनी दीवानी हो गई कि उसे अपना दिल दे बैठी हो। Just stop it. बस करो, और मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत मत करो। तुम्हारे आने के पहले से मैं ये सब अकेले संभाल रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मैं क्या कर रही हूँ, समझे तुम? लगता है माया वीरस का इस्तेमाल करना ही होगा। अब देखो तुम मैं क्या करता हूं बानी। सो जाओ, बाकी तुम्हारी मर्जी। गुड नाइट। वो पर्दा, तुम पूछोगे नहीं कि कहाँ गायब हो गया, क्यों हटाया? पूछोगे नहीं? नहीं, क्योंकि तुम झूठी बोलोगी, मुझे पता है। नहीं, मैंने नहीं हटाया, मैंने पूछा तुमसे। नहीं ना, मैं थक गया हूँ, फ्रेंकली कहूँ तो मैं चोट खाया हुआ।
हूँ वानी, और बार बार दोहरा दोहरा के बात कह चुका हूँ कि मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ, जबकि तुम मेरे लिए नहीं, मैं कुछ नहीं फील करती हो, पता है मुझे। तुम तो ये भी नहीं मानती हो कि ये प्यार है वानी, पर हाँ एक दिन मानोगे, एक दिन ऐसा होगा, जरूर होगा।